एपिसोड 57, खाने का चुनाव। लेकिन भगवान का शुक्र है कि उन बड़े पशु मानव ने नागाल का रास्ता नहीं रोका। वो जैसे ही बीच पर पहुंचेंगे, नागाल निया को समुद्र में छुपाने के लिए ले जाएगा। उसे सिर्फ थोड़े दिनों तक संभालना है और फिर ये खत्म हो जाएगा। सूरज निकलता है और पश्चिम की तरफ जाता है। नागाल अभी भी भाग रहा है और निया उसके कंधों पर सो गई है। नागाल उसे पूछता है, निया तुम्हें भूख लगी है? निया अपने सूखे होठों को अपनी जीभ से थोड़ा गीला कर लेती है। उसने कल रात से एक बूंद भी पानी नहीं पिया था। वो सर हिलाते हुए बोलती है, हाँ और मुझे पानी भी चाहिए। नागाल उसके बाल ठीक करते हुए बोलता है, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी ढूंढता हूं। सांप पशु मानव अपनी जीभ से ही पता कर लेते हैं कि पानी किस दिशा में मिलेगा। पानी ढूंढना उसके लिए आसान था। फिर वो निया को देखता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। नागाल उसके चेहरे पर हल्के से थपकी मारते हुए बोलता है, उठो। थोड़ी हिम्मत करके निया अभी आंखें खोलती है। निया ने तेज सांसें लेना शुरू कर दिया था। वो जितनी सांसें ले रही थी उससे ज्यादा छोड़ रही थी। ऑक्सीजन की कमी से वो कमजोर हो जाती है। निया उसे बोलती है, मुझमें अब ताकत नहीं है। नागाल उसे नदी किनारे एक पेड़ के नीचे सुला देता है और उसे अपने हाथों से पानी पिलाता है। बहुत सारा पानी निया के ऊपर गिर जाता है और उसका शरीर थोड़ा गीला हो जाता है। नागाल उसे कमजोर देखकर बोलता है, तुम्हें कुछ खाना चाहिए। नागाल का मन कर रहा था कि वो अपना मांस काटकर निया को खिला दे और अपनी थोड़ी ताकत निया को दे दे। फिर नागाल अपनी पूंछ जमीन पर दबाता है और उसे जमीन हिलती हुई लगती है। इतनी देर रुकने के बाद अब पशु मानव उनके करीब आ रहे थे और अब मीट रोस्ट करने का समय नहीं था। नागाल अपने हाथों से निया को उठा लेता है और बोलता है, उठो। निया का शरीर नागाल के ऊपर ऐसा लटका था जैसे वो मरी हुई हो। वो तैरते हुए शिकार भी ढूंढ रहा था। उसे अचानक रास्ते में खरगोश दिखाई दिया। वो एक हाथ से खरगोश को पकड़ लेता है। फिर वो उसकी आंतें निकालकर निया के मुंह के पास ले जाता है। निया को बोलता है, ये लो पी लो। निया अपना मुंह खोलती है। नागाल उसमें खरगोश का खून डाल देता है। खून का स्वाद आते ही निया जाग जाती है। निया खांसते खांसते बोलती है, ये तुमने मुझे क्या दे दिया है? वो फिर उसे थूकने लगती है। फिर जब वो अपने हाथों से मुंह साफ करती है तो उसके हाथ खून से रंग जाते हैं। निया डर के मारे उठ जाती है, जमीन पर थूकते हुए चिल्लाती है, तुमने मुझे खून क्यों पिलाया? ये कितना गंदा होता है। नागाल निया को इतना एनर्जेटिक देखकर राहत की सांस लेता है। फिर निया को बोलता है, खाने में नखरे नहीं करने चाहिए। खाने में नखरे? अरे मगर इंसानों की रेसिपी में तो खून होता ही नहीं है। निया अपना मुंह ऊपर करके बोलती है, इसे पीने से तो अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। नागाल उसकी तरफ देखता है और एक ही बार में खरगोश का सारा खून पी जाता है। निया को अंदाजा था नागाल क्या करना चाहता है। वो बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे जाना है, मैं खून नहीं पीऊंगी। खून नागाल के मुंह में था। वो खरगोश को फेंक देता है और निया का मुंह पकड़ लेता है और फिर धीरे धीरे खून को अपने मुंह से उसके मुंह में डालता जाता है। निया की डर के मारे आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो अपने दांत बंद करने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी बहुत खून उसके मुंह में चला जाता है। वो उसे गरारे करने लगती है। उसके मुंह से गरारे की आवाज आ रही थी। एपिसोड 58, निया की चॉइस। वो खून निया के गम्स में चला जाता है और उसे उल्टी जैसा लग रहा होता है। वो उल्टी करना चाहती थी लेकिन नागाल ने उसके मुंह को बंद कर रखा था तो वो कर नहीं पा रही थी। वो सिर्फ अपने पैरों से उसकी बॉडी को मार सकती थी। नागाल खून को उसके मुंह में डालना थोड़ा कम करता है। वो उसके होठों को काटता है और उन्हें अपने होठों के करीब लाता है। जब वो उसको खून पिला देता है तो फिर उसे छोड़ देता है। जब वो उसे छोड़ता है उसके होठों से
खून के धब्बे साफ कर देता है। निया उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। उसके पेट में जो जलन हो रही थी उसकी वजह से उसको आंसू आ रहे थे। उसने नागाल को थप्पड़ मारा था लेकिन वो ऐसी लग रही थी जैसे उसे थप्पड़ पड़ा हो। नागाल निया के मुलायम हाथ पकड़कर बोला, इससे तुम्हें तकलीफ हुई है? निया गुस्से में अपना हाथ छुड़ा लेती है। उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था बल्कि उसे अब और गुस्सा आ रहा था। खून का गंदा टेस्ट अभी भी उसके मुंह में था जिसकी वजह से उसे और गंदा लग रहा था। तभी आसमान से चील की आवाज आती है। वो आकर उनके ऊपर वाली पेड़ की टहनी पर बैठ जाती है और अपनी आंखों से उन्हें देखने लगती है। ऐसा नहीं था कि अबीर की गति नागाल से कम थी। वो मानो ऐसा था जैसे कि हमें पर्वत कितना करीब दिखाई देता है लेकिन असलियत में वो बहुत दूर होता है। नागाल कितना भी तेज हो लेकिन उसे पर्वत चढ़ने पड़ते थे। वहीं अबीर आसमान में उड़ता है तो वो सबसे छोटा रास्ता पकड़ता था। उसके पास आराम करने के लिए भी बहुत टाइम था। नागाल ऊपर देखता है और अपनी पूंछ हिलाते हुए आगे चलने लगता है। निया बोलती है, मुझे अपना मुंह साफ करना है। नागाल सोचता है कि इसने अभी पानी पिया है और अब इसे पीने की जरूरत नहीं है, तो वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। निया उसके हाथों पर मारती है और बोलती है, मुझे अपना मुंह धोना है। मेरा पूरा शरीर खून से लथपथ है। अब मैं ऐसे नहीं रह सकती हूं। नागाल मान जाता है लेकिन वो अभी भी उसको जवाब नहीं देता है। वो नदी की तरफ जाने लगता है। तब निया शांत होती है। फिर वो दौड़ती हुई नदी पर जाती है और अपने हाथ धोती है और फिर कई बार अपना मुंह धोती है। निया वहां से बहुत सारा पानी भी पीती है। अब उसे ठीक लग रहा था। फिर वो खून के धब्बों वाला अपना टॉप भी धोती है। अब जब खून की खुशबू पूरी तरह से चली गई है तो अब उसे अंडे की बदबू फिर से आने लगती है। फिर निया को एक आइडिया आता है और वो रुक जाती है। अंडे की बदबू मिटा नहीं सकते लेकिन किसी और खुशबू से छुपा तो सकते हैं। वो नदी की तरफ देखती है और सोचती है कि मिट्टी ठीक रहेगी। नागाल निया का हाथ पकड़कर उसे ऊपर बैठाते हुए बोलता है, ठीक है चलो फिर चलते हैं। निया सोचती है, क्या उसे नागाल को बताना चाहिए? वो नागाल को ऐसे थका हुआ नहीं देख पा रही थी लेकिन ये उसके पास भागने का अच्छा मौका है। शायद ये मौका छोड़ देने के बाद उसके पास नॉर्मल लाइफ जीने का कोई मौका नहीं मिलेगा। नागाल ज्यादा हिचकिचाता नहीं है। वो बड़े आराम से निया को उठाता है और तैरना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो नदी में आगे बढ़ रहे थे निया को उसके लिए बुरा लग रहा था। निया उसे बोलती है, नागाल मुझे चील मानव के हाथों सौंप दो। नागाल एकदम ठंडा हो जाता है। वो निया की तरफ कोल्ड आंखों से देखकर बोलता है, तुम्हारे सपने में। निया का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने खुद को संभालने के लिए मुट्ठी बांधी है। फिर वो बोलती है, हम एक या दो दिन में सी साइड पर नहीं पहुंच पाएंगे। तुम बिना आराम किए ऐसे चलोगे तो बीमार हो जाओगे। तुम अगर अपना ध्यान नहीं रखोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नागाल बोलता है, उन बड़े पशु मानव को भी आराम करना पड़ता है। जब वो रुक जाएंगे तो हम भी आराम कर लेंगे। तुम थोड़े दिन खून पियोगी तो तुम्हें कम थकान महसूस होगी। निया चुप हो जाती है और सोचती है कि ये नागाल इसे एक दिन मार ही डालेगा। एपिसोड 59, पशु मानव का झुंड। निया दुखी होकर कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें पसंद हूं तो तुम मेरी ईमानदारी से तारीफ भी कर सकते हो। ये बोलते हुए निया की आंखें जल रही थी। सबके लिए तारीफ करना बड़ी ही प्यारी चीज होती है लेकिन निया के लिए वो अगवा करना और जबरदस्ती था। निया बोलती है, क्या तुम मुझे वापस गांव छोड़ सकते हो? जब मैं गांव में रहूंगी तो भी तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। नागाल थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है फिर बोलता है, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। और गांव वापस जाने के बारे में तो तुम भूल जाओ। निया जल्दी से उसकी बात का जवाब देती है, नहीं मुझे और लड़के नहीं चाहिए। अगर मैं तुम्हें चुन लूंगी तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं होगी। नागाल निया की ओर देखकर बोलता है,
नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। वो उसकी सुंदरता देख रहा था, फिर बोलता है, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे पीछे तो कई मेल होंगे, और ऊपर से तुम दिल की इतनी साफ हो कि मुझ जैसे होमलेस पशु मानव की भी बात मान लेती हो, तो फिर दूसरों की तो बात ही छोड़ दो। निया अपने दिमाग पर जोर डालकर उसे मनाने का तरीका ढूंढती है। नागाल बोलता है, रुको, मैं तुम्हें वापस नहीं छोड़ने वाला हूं। निया उस बात को वहीं छोड़ सकती है। जमीन पूरे दिन हिलती रही, फिर बाद में बंद होती है तो नागाल भी रेस्ट कर पाता है। 3 दिन से वो लोग इनका पीछा कर रहे थे और इस दौरान नागाल ने कुछ खाया भी नहीं था। वो थोड़ा पतला दिख रहा था, लेकिन उससे ज्यादा कमजोर तो निया थी, जिसमें अब नागाल को समझाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। नागाल समुद्र की तरफ मुंह करके अपनी जीभ से स करता है, फिर वो खुशी से निया से बोलता है, आखिर 3 दिन बाद अब हम सेफ हैं। निया अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है और फिर बंद कर देती है। नागाल उसे देखकर दुखी होता है और उसे आराम से सोने देने के लिए उसे नीचे उतार देता है। इन दिनों में वो निया को कई बार खून पीने के लिए जबरदस्ती कर चुका था और निया उससे बचने के लिए स्ट्रगल करती है, और इतना स्ट्रगल करने के बाद वो वीक हो जाती है। उसे पता ही नहीं कि निया की प्रॉब्लम क्या है। अगर ऐसा ही रहा तो वो मर जाएगी। ऊपर से फिर चील की आवाज आ रही थी। नागाल निया का हाथ जोर से पकड़ लेता है और चील की तरफ गुस्से से देखता है। अबीर इंसान का रूप लेकर पेड़ पर खड़ा होकर बोलता है, ये तुम्हारी वजह से मर जाएगी। ये सुनकर नागाल को बहुत गुस्सा आता है। जमीन फिर से हिलने लगती है और नागाल निया को लेकर चलने लगता है। अबीर बोलता है, अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। बड़े पशु मानव 3 टुकड़ों में बट गए हैं और तीनों दिशाओं से आ रहे हैं, और अगर तुम बिना सांस लिए भागे तो तुम दोनों मर जाओगे। नागाल की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उसके हाथ निया के ऊपर अपने आप टाइट हो जाते हैं। निया जोर से चिल्लाती है, मुझे दर्द हो रहा है। नागाल अपने हाथ ढीले करके बोलता है, अब तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम आराम करो। निया फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जमीन का हिलना पशु मानव के आने का साफ साफ संकेत था। नागाल के थक जाने से वो लोग इनके ज्यादा करीब आ जाते हैं। अबीर बोलता है, इसे मेरे हवाले कर दो। नागाल कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो इन पशु मानवों से भाग सकता है, इसलिए वो निया को लेकर पेड़ पर चढ़ जाता है। अबीर चिल्लाता है, तुम भी उसके साथ मरना चाहते हो? जब अबीर देखता है कि नागाल उस पर ध्यान नहीं दे रहा तो वो वहां से उड़कर आसमान में चला जाता है, और फिर वो उन पशु मानवों के झुंड की तरफ जाता है जो उनके बहुत करीब आते जा रहे थे। अगर नागाल निया के साथ मरना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। एपिसोड 60, नागाल का खुनकार बर्ताव। पशु मानवों का झुंड वहां पहुंच चुका था। उनके अंडे की खुशबू आसमान में फैल चुकी थी। जब वो लोग कूदते हुए जा रहे थे तो बहुत जोर से आवाज आ रही थी और जमीन भी जोर से हिल रही थी। वो जहां से गुजर रहे थे वहां के पेड़ एक के बाद एक गिर रहे थे। नागाल एक गिरते हुए पेड़ से कूदकर एक मोटे पेड़ पर जाता है, जिसका खतरा सिर्फ नागाल को ही महसूस हो रहा था। डर लगने की वजह से निया जाग गई थी और अब वो सोच भी सकती थी। ऐसा लग रहा है हम मूवी शूट कर रहे हैं, जैसे कि एक रोलर कोस्टर राइड में वजन पता नहीं चलता, वैसे ही नागाल को भी नहीं चल रहा था। निया को लग रहा था जैसे उसका दिल अभी कलेजे से बाहर निकल जाएगा। निया नागाल के शरीर पर पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के सामने से सीन जा रहे हैं। सिर्फ उसे वहां हरा रंग ही दिखाई दे रहा था। जिस पेड़ पर नागाल था वो बहुत ही पुराना लग रहा था। उसकी चौड़ाई इतनी थी कि 100 लोग भी उसके आसपास गोला नहीं बना सकते। उस पेड़ में एक कमरे जितने बड़ा छेद था। शायद वो किसी पक्षी का घोंसला था। वो निया को लेकर
उस छेद में आवाज लगाता है। वो पेड़ हिल रहा था और साथ में निया की आवाज भी। वो बोलती है, अब हमें क्या करना चाहिए? नागाल उसको देखता है और फिर उसकी गर्दन पर हाथ फेरता है। वो लड़की इतनी नाजुक थी कि उसको हल्के से चिमटी भी कर दो तो वो मर जाए, फिर नागाल ऐसा कैसे कर सकता था? निया को किसी डर का आभास होता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो धीमी आवाज में बोलती है, नागाल। नागाल उसकी तरफ दुखी होकर देखता है और अचानक उसके चेहरे पर हाथ फेरकर बोलता है, मैं तुम्हें उस चील मानव के पास छोड़ दूंगा। ये सुनकर निया खुश हो जाती है, लेकिन नागाल का दुखी चेहरा देखकर उसकी खुशी गायब हो जाती है। वो बोलती है, मेरे जाने के बाद वो बड़े पशु मानव भी यहां से चले जाएंगे, बाद में तुम मुझे मिलने ट्राइब में आ सकते हो। निया के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, नागाल को भी वो दिख रही थी। नागाल की आंखें निया के सीने पर थीं। निया डर कर बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? वो निया का टॉप ऊपर करने लगता है। निया अपने हाथों से अपने चेस्ट को ढक लेती है। क्या वो इन आखिरी लम्हों में उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता है? ये एक बेघर पशु मानव पर ही जचता है। निया डर के मारे रोते हुए बोलती है, ऐसा मत करो। नागाल उस पर ध्यान नहीं देता है। फिर उसके शरीर पर गहरे और काले रंग की एक परत आ जाती है। उसके मुंह में उसके तीखे और चमकते दांत दिखाई दे रहे थे। नागाल अपने मुंह को नीचे करता है और अपने नुकीले दांतों से निया को काटने जाता है। आ! पेड़ के छेद में से निया के चिल्लाने की आवाज आती है। अबीर तुरंत पेड़ के छेद की तरफ उड़ता है और वो लड़ाई के लिए तैयार था। तभी वो देखता है कि नागाल बेहोश निया को अपने हाथों में लेकर आ रहा था। अबीर पूछता है, क्या हुआ इसे? नागाल निया को अबीर के हाथ में देते हुए बोला, लो इसे तुम ले जाओ। अबीर के दिमाग में कई सवाल चल रहे थे और अभी तो उसे इस झटके से भी उबरना था। फिर भी वो निया को अपनी पीठ पर ले लेता है और पंख फैलाकर आसमान में उड़ जाता है। नागाल अपनी साथी को अपने से दूर और दूर जाते हुए देख रहा था। वो बोलता है, मैं तुम्हें देखने जरूर आऊंगा। जब निया चली जाती है, बड़े पशु मानव भी उसे सूंघते हुए आगे बढ़ जाते हैं।